दोस्तों, गोरिल्ला एक ऐसा जानवर है जिसे हम सब बचपन से जानते हैं। ये जानवर एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प जानवर के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस जाने माने जानवर के बारे में कई ऐसे तथ्य है जिनसे हम में से कोई भी अभी तक पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। उदाहरण के लिए, क्या आप बता सकते हैं कि गोरिल्ला अपनी छाती क्यों पीटता रहता है? या क्या आप जानते हैं कि गोरिल्ला मीटिंग कैसे करते हैं? मुझे पता है कि आप इन सवालों के सही जवाब नहीं जानते हैं, लेकिन दोस्तों आप चिंता ना करें, क्योंकि आज हम आपको ये जवाब देने के लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। तो अब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गोरिल्ला एक ऐसा जानवर है जिसे हम सभी बचपन से जानते हैं। विभिन्न कार्टून और हॉलीवुड फिल्मों के दौरान ये जानवर बहुत पहले से ही हमसे परिचित हो गया है। तो हम सभी जानते हैं कि गोरिल्ला की एक और खास बात ये है कि वो नियमित अंतराल पर अपनी छाती पीटता है। लेकिन दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं, गोरिल्ला ऐसा क्यों करते हैं। कई जानवर मानव विज्ञानियों ने गोरिल्ला पर कुछ विशेष रिसर्च करके इसका पता लगाया है कि गोरिल्ला अपने नेचर की वजह से ऐसा नहीं करते है, बल्कि इसके पीछे कई अहम कारण छिपे है। दरअसल, गोरिल्ला एक ऐसा जानवर है जिसे बहुत कम उम्र से ही जिंदगी के लिए लड़ना शुरू कर देना पड़ता है। इसलिए हर नर गोरिल्ला को बहुत कम उम्र से ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होता है, और मुख्य रूप से इस ताकत को दिखाने के लिए गोरिल्ला बार बार अपनी छाती पीटते हैं। बार बार अपनी छाती पीटकर वे बाकी गोरिल्लाओं के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहते है। लेकिन गोरिल्लाओं के ऐसा करने के पीछे एक और खास वजह छुपी है, और इसका कारण प्रजनन उद्देश्यों के लिए अच्छे साथी चुनना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि गोरिल्ला को बहुत कम उम्र से ही जीवन के लिए लड़ना शुरू कर देना पड़ता है, और इसलिए गोरिल्ला को अपना साथी चुनने के लिए भी संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ता है। दरअसल, सभी नर गोरिल्ला को अपना पसंदीदा साथी चुनने के लिए आपस में लड़ना पड़ता है, और जो इस लड़ाई में जीत जाते हैं उसे सबसे पहले अपना पसंदीदा साथी चुनने का मौका मिलता है। अब नर गोरिल्ला अपनी छाती पीटकर अपनी ताकत दिखाने लगता है और मादा गोरिल्ला को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर मादा गोरिल्ला नर गोरिल्ला को पसंद करती है तो वो उसकी कॉल का जवाब देता है, और फिर वे दोनों प्रजनन में संलग्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गोरिल्ला में ये प्रजनन क्रिया बहुत मजेदार होती है। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करें। दोस्तों, जिस तरह नर गोरिल्ला मादा गोरिल्ला को आकर्षित करने के लिए अपनी छाती पीटते हैं, उसी तरह मादा गोरिल्ला नर गोरिल्ला को आकर्षित करने के लिए अपने होंठों को दबाती है। लेकिन अगर नर गोरिल्ला अभी भी मादा गोरिल्ला की ओर आकर्षित नहीं होता है, फिर मादा गोरिल्ला नर गोरिल्ला को थप्पड़ मारती है और हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन जब वे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वे प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, गोरिल्ला और इंसानों में कई समानताएं हैं, और दोनों के बीच बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया काफी हद तक एक जैसी है। एक मादा गोरिल्ला एक जन्म के दौरान केवल एक बच्चे को जन्म दे सकती है, और वह शायद ही कभी जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। एक मादा गोरिल्ला नर गोरिल्ला की तुलना में बहुत पहले यौन रूप से परिपक्व हो जाती है, क्योंकि एक नर गोरिल्ला लगभग 13 से 15 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाता है, जबकि मादा गोरिल्ला लगभग 10 से 12 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाती है। कभी कभी एक महिला गोरिल्ला 7 से 8 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो सकती है, लेकिन जब तक वे 10 साल की नहीं हो जाती तब तक वे बच्चे जन्म देने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एक बार मादा गोरिल्ला ने बच्चे का जन्म दे दिया तो उसे फिर से जन्म देने के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ता है। किसी भी गोरिल्ला समूह में प्रमुख नर या सिल्वरबैक गोरिल्ला के पास ही एकमात्र ग्रुप के सभी महिलाओं के साथ संभोग करने का पूर्ण अधिकार रहते हैं। तो किसी भी गोरिल्ला समूह में ज्यादातर पुरुष एडल्ट होने के बाद अपने पिता के ग्रुप को छोड़ देते हैं। जब वे अपने पिता के समूह को छोड़ देते हैं तो वे अकेले या अन्य कुंवारे पुरुष के साथ समूह में रहना शुरू कर देता है, जब तक कि वे अन्य समूहों से महिलाओं को चोरी करने में सक्षम ना हो। अधिकांश मादा गोरिल्ला भी अंतर्जनन से बचने के लिए कुछ समय बाद अपने पिता के समूह को छोड़ देती है। हालांकि माउंटेन गोरिल्ला पर शोध से पता चला है कि इस समूह की महिला गोरिल्ला अपने समूह में रहना पसंद करती है, लेकिन वह चतुराई से अपने पिता के साथ संभोग करने से बचती है। इस मामले में इस समूह की महिला गोरिल्ला अपने पिता की तुलना में समूह के कम अधीनस्थ पुरुषों के साथ संभोग करती है। मजबूर होने पर भी वह अपने पिता के साथ संभोग करने के लिए कभी भी सहमत नहीं होते हैं। दोस्तों, अब हम एक बेबी गोरिल्ला के बचपन का वर्णन करने जा रहे हैं। जन्म से एक बेबी गोरिल्ला अपनी माँ के सख्त अनुशासन में बड़ा होना शुरू कर देता है, और अगले 2 साल की उम्र तक
बेबी गोरिल्ला अपनी माँ के सख्त अनुशासन में बड़ा होता रहता है। एक बेबी गोरिल्ला 4 से 6 महीने की उम्र तक कम मात्रा में छोटे छोटे पौधे खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वे धीरे धीरे ठोस भोजन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बेबी गोरिल्ला की माँ इस दौरान उसे खाने में मदद करती है। जब तक एक बच्चा गोरिल्ला लगभग 3 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसका पालन पोषण उसकी माँ करती है। इस दौरान समूह के अन्य गोरिल्ला उसकी माँ की अनुमति के बिना उसके पास नहीं आ सकते। लेकिन फिर जब बेबी गोरिल्ला धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वह अपनी माँ को छोड़कर एक अलग गुफा में रहने लगता है और अन्य गोरिल्ला के साथ मेलजोल करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि एक माँ उसके बच्चे के बीच एक मजबूत बंधन बना रहता है। एक बच्चे को जन्म देने के बाद माँ गोरिल्ला उसे पालने में लगी होती है और उस काम में उसे करीब 3 साल लग जाते हैं। तो एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक माँ गोरिल्ला लगभग 3 से 4 साल तक बच्चा नहीं पैदा कर सकते, मूल रूप से क्योंकि बच्चा पैदा करने में इतना समय लगता है, जिसके कारण से गोरिल्ला की आबादी बहुत कम है। दोस्तों, अभी तक हमने गोरिल्ला की प्रजनन प्रक्रिया और उसके बचपन के बारे में कुछ जानकारी जानने की कोशिश की है। अब हम गोरिल्ला के आहार और जीवन स्तर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, गोरिल्ला मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और ये मुख्य रूप से छोटे पौधे, बांस और फल खाकर जीते हैं। लेकिन कभी कभी गोरिल्ला विभिन्न छोटे कीड़ों का भी शिकार कर लेते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि गोरिल्ला को भी मांसाहारी माना गया है। और इससे भी अजीब बात ये है कि ये कभी कभी अपने ही समूहों के जानवरों को शिकार करते हैं और मांस खाते हैं। गोरिल्ला पहले से ही बहुत शांत जानवर है और जब तक कोई उन्हें परेशान नहीं करता, तब तक वे अपने आप पर कभी भी आक्रामक नहीं होते हैं। वे मुख्य रूप से अपना जीवन खाना और आराम करना ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।